निरंतर कैथलिक बात बताऊं, जो आदमी भाई थोड़ा सा बुरा मत मानो, जो आदमी एक बार नु कह दू मेरे को या भीड़ हटनी चाहिए, तो उन्हें सोचे कि यार अगर तेन भीड़ ना हटी तो तेरी भीड़ बन जाएगी। लेकिन मैंने वो सो गलती हुई ही, मेरी मेवाद की तोहिन हुई, सारी बिरादरी की तोहिन हुई। मैंने रो रो के उन भाई से कही भाई भीड़ ना हटा दियो, मेरी ना पूरी मेवाद की तोहिन हो रही, गलत लफ्ज मुँह पे चल मुड़गा आप दबा था। अच्छा बीच में मैं यह चीज कह रहा हूँ, असगर भाई ने जितना याने कही है कि वीडियो मुंह पर बन गई और याने वो डाल दी वीडियो, ठीक है जी, याने जो वीडियो डाली है मैं तमाम मेवात का यूट्यूबर से कह रहा हूँ, खुदा के लिए त्यारा यूट्यूबर ने तो अल्लाह जब भी चलाए, या की जा पे भी वीडियो हो, फेसबुक पेज पे काई पे भी हो, जब माने सरकार नरेंद्र जी हटा सकता है कहने से इंसानियत के नाते, जिसने इसकी वीडियो उठाई थी कि भाई ये भी मेवात का मुसलमान है, ये भी मेवात का मुसलमान है, इस पे जो वीडियो बनाई वो बजरंग दल का आदमी जिनने बनवाई, दारू पिया के कैसेट भरवा के जो वीडियो बनाई वो बजरंग दल का आदमी, नौगावा का आदमी जिनने यहाँ पे वीडियो बनवाई, या भी मैं क्लियर कहना चाह रहा हूँ। तो इस साजिशन के तहत ही वीडियो बनवाई, दारू पिया के नहीं, कोरेक्स पिया के नहीं आई, तो खुदा के लिए सारी वीडियो हटा दे और मेवात के तमाम यूट्यूबर से कह रहा हूँ बुराई की सारी चीजें ने छोड़ दें, अच्छाई को इस्तेमाल करें अगर आपको करना है तो। जो यूट्यूब आपके चलेंगे ना इंशाल्लाह वो फिर भी चलेंगे, क्योंकि यूट्यूब और रोजी रोटी देने वाला सब खुदा है, दूसरा किसी के पास में कोई उपाय भी नहीं है और ना कोई दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर दे सकती भाई। तो यह वजह से मैंने असगर भाई बीच में टोको हूं अभी भाई।